गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना था लोकोमोशन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट हैव अ हार्ट कवरिंग अवर देयर बॉडी विच सर्व एज स्केलेटन। क्या है, जो कीट हैं वो अपने शरीर में स्केलेटन मतलब कंकाल के रूप में एक हार्ड कवर होता है। कंकाल के रूप में क्या होता है, हार्ड कवर होता है। दिस टाइप ऑफ कवरिंग इज कॉल्ड एक्सो स्केलेटन। टाइप के कवरिंग को क्या बोला जाता है, एक्सो स्केलेटन। दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल टू पुल दीज लेग्स। इन पैरों को खींचने के लिए उनके पास तीन जोड़ी क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स और मजबूत मसल्स होते हैं। द लेग्स आर जॉइंटेड टू द बॉडी बाय वॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट्स, वाइल द अदर जॉइंट्स ऑफ द लेग्स आर हिंग जॉइंट्स। जो लेग जॉइंट रहते हैं वो बॉडी के वॉल से जॉइंट रहते हैं, और जो सॉकेट वॉल एंड सॉकेट से जॉइंट रहते हैं, ठीक है। और जबकि जो अदर जॉइंट्स हैं ऑफ द लेग के वो हिंग जॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट्स वॉक, थ्री लेग्स सपोर्ट द बॉडी वाइल द अदर थ्री मूव द बॉडी फॉरवर्ड। क्या है, जब इंसेक्ट वॉक करता है तो थ्री लेग सपोर्ट करते हैं बॉडी को, जबकि अदर जो थ्री मूव होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को आगे बढ़ाते। मोस्ट इंसेक्ट कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। क्या अधिकतर जो कीट होते हैं वो उड़ सकते हैं, किसकी हेल्प से, विंग्स मतलब अपने पंख से। फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉकरोच द मसल्स ऑफ ब्रेस्ट एंड कनेक्टेड विथ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड टू पेयर ऑफ विंग्स विच हेल्प टू वॉक एंड फ्लाई रिस्पेक्टली। जो कि उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वॉक करने में और उड़ने में, ठीक है। अब आएंगे हम लोकोमोशन इन वर्ड्स। वर्ड्स में लोकोमोशन किस टाइप से होता है बेटा, वो हम देखेंगे। एवरीथिंग इन अ वर्ड्स बॉडी इज डिजाइन फॉर फ्लाइट। जो प्रत्येक चीज है वो वर्ड्स बॉडी की डिजाइन फॉर फ्लाइट। दे हैव स्केलेटन इनसाइड देयर बॉडी, थस दे हैव एंडोस्केलेटन। दे जनरली फ्लाई एंड सो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लाइट। देखेंगे गिल्डिंग, वाइल गिल्डिंग द वर्ड्स हैज इट्स विंग एंड टेल स्प्रेड आउट। क्या है, जबकि गिल्डिंग में जो वर्ड रहते हैं उनके जो पंख रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एंड टेल स्प्रेड आउट, फैले हुए। इन दिस टाइप ऑफ फ्लाइट द वर्ड यूजेस एयर करंट्स फॉर गोइंग अप एंड डाउन। क्या करते हैं, इस प्रकार के जो फ्लाइट होते हैं, फ्लाइट बर्ड, वो क्या करते हैं, यूजेस एयर, उनको जो हवा को ऊपर नीचे की ओर बहाव देते हैं, ठीक है। फ्लैपिंग क्या होता है, द अदर टाइप ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड इज कॉल्ड फ्लैपिंग। जो अदर टाइप की फ्लाइट होते हैं बर्ड के उन्हें बोला जाता है फ्लैपिंग। इट इज एन एक्टिव फ्लाइट। फॉर सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ फ्लाइट बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन एंड स्मूथ बॉडी विच अदर आर लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। वो कैसे होते हैं, वर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन एंड स्मूथ बॉडी होती है जो कि ऑफर्स अ लिटिल, उनमें कम रेजिस्टेंस होता है टू फ्लो ऑफ एयर में उड़ने के लिए। होल्ड इट्स बॉडी अप इन द एयर, सॉरी यहाँ से था। अ स्केलेटन मेड ऑफ होल वंस मेक अ वर्ड लाइट सो दैट इट कैन होल्ड इट्स बॉडी अप इन द एयर। तो ये अपनी बॉडी को एयर में क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। दे लैक टीथ एंड इंस्टीड हैव अ लाइट वेट विक। द टू फोर लिम्स आर मॉडिफाइड अ
एज विंग विच आर यूज फॉर फ्लाइंग वाइल द टू हैंड्स लैम्स आर यूज टू वॉकिंग एंड पर्चिंग. ठीक है. द होल बॉडी इंक्लूडिंग द विंग्स इज कवर्ड विद फेदर्स. वो फेदर्स से क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, जो पंख रहते हैं बॉडी के साथ जो विंग्स हैं वो क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं किसके साथ, फेदर के साथ. ठीक है, पंख के साथ. फेदर्स ग्रोइंग क्लोज टू द स्किन आर कॉल्ड डाउन फेदर्स. दे आर लूजली अरेंज टू ट्रैप एयर क्लोज टू द बर्ड्स बॉडी. जो बर्ड्स एक अच्छे से ट्रैप एयर में रहते हैं अरेंज. ठीक है, और क्लोज टू द बर्ड्स बॉडी, बॉडी जो पक्षियों की बॉडी उसको कवर करते. ऑल्सो फेदर हेल्प टू क्रिएट द एयर फॉइल शेप टू द विंग्स दैट प्रोवाइड लिफ्ट. और उनको ऊपर उठाते हैं. ठीक है, अब आएंगे लोकोमोशन इन फिश. फिश हैव बैकबोन, थस दे कम इन द कैटेगरी ऑफ वर्टिवेट्स. किस में आती है वो, वर्टिवेट्स की कैटेगरी में आती है. द स्केलेटन ऑफ फिश लाई इन साइड देयर बॉडी, देयर फोर दे हैव क्या होता है इसमें, एंडोस्केलेटन होता है. द बॉडीज ऑफ फिश आर स्टीमेन दैट इज नैरो एट बोथ एंड्स एंड वुड इन द मिडिल. दिस शेप इनेबल्स टू द फिश स्विम फास्टर. जो कि क्या करता है, योग बना, ये जो शेप है उनको तेज तैरने के लिए क्या बनाता है, योग बनाता है. द वर्टेबल कॉलम इन फिश इज लाइक अ वेरी फ्लेक्सीबल रोड दैट कैन मूव फ्रॉम साइड टू साइड. ठीक है, सो ये क्या कर सकती है, एक साइड से दूसरे की जो इनके जो वर्टेबल कॉलम है इन फिश में वो लाइक बहुत फ्लेक्सीबल होता है, जो कि इनको क्या कर सकता है कि एक साइड टू साइड पार्शली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है. ठीक, द मसल्स ऑन द टू साइड ऑफ द बॉडी वर्क कॉन्ट्रेरी. व्हेन मसल्स वन साइड कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स ऑन द अदर साइड रिलैक्स. जब मसल एक साइड के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते तो एक साइड के क्या करते हैं, रिलैक्स करते. दिस इज वॉट मेक्स द वेव लाइक मोशन ऑफ देयर बॉडी पॉसिबल. इससे क्या दिस इज वॉट इसके कारण क्या होता है, जो क्या बनता है, एक वेव बनता है मोशन जो उनकी बॉडी को पॉसिबल बनाता है. ठीक, द फिन्स ऑन द बॉडी ऑफ दिस इज वॉट मेक द वेव लाइक मोशन ऑफ देयर बॉडी पॉसिबल. द फिन्स ऑन द बॉडी ऑफ फिश हेल्प टू द टर्न और चेंज डायरेक्शन. जो इनकी बॉडी में फिन्स होते हैं इनके ऊपर, वो हेल्प क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो एक्ट एज ब्रेक्स व्हेन द फिश नीड टू स्टॉप मूविंग. और ये क्या है, एक एक्ट का भी काम करते हैं, जैसे एक ब्रेक का. ठीक है, एक जब फिश क्या करती है, उसको रुकने की आवश्यकता होती है. ठीक है, मोस्ट फिश हैव स्विम ब्लैडर विच इज लाइक लिटिल बलून ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी विथ विच दे कैन कंट्रोल द डेप्थ टू फ्लोट बाय वेरिंग द अमाउंट ऑफ एयर हेल्ड इन द स्विम ब्लैडर. ठीक, अब आएंगे हम लोकोमोशन इन स्नेक्स. स्नेक हैव अ नंबर ऑफ वर्टिब्रे. दे हैव न्यूमरस वेरी स्लेंडर बॉडी मसल्स. इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्लेंडर बॉडी मसल्स होते हैं. दीज मसल्स इंटरकनेक्ट द एडजॉइनिंग वर्टिब्रे राइट्स एंड स्किन रिब्स एंड स्किन. द मसल्स ऑफ स्नेक बॉडी मेक मैनी लूप्स एंड द साइड. इनके जो मसल्स हैं वो क्या बनाते हैं, मैनी लूप्स और लूप्स बनाते हैं, मैनी लूप्स एट द साइड. दीज लूप्स गिव फॉरवर्ड
thrust against the surface and help them to crawl. Many snakes can swim in water also. कई प्रकार के जो स्नेक हैं वो क्या कर सकते हैं, वाटर में तैर सकते हैं. लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म इज अ सिलेंड्रिकल एलोंजेटेड वॉर्म लाइक एनिमल. जो अर्थवॉर्म है वो सिलेंड्रिकल होता है, एनर्जेटिक वॉर्म लाइक एनिमल. ठीक है, वॉर्म एनर्जेटिक वॉर्म टाइप का क्या होता है, एक एनिमल होता है. द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर जॉइंटेड एंड टू एंड. क्या है, जो अर्थवॉर्म की बॉडी है वो कई रिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है एंड टू एंड. अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी स्केलेटन, उसमें कोई स्केलेटन नहीं होता. व्हाट इट बॉडी सीक्रेट्स आर सब्सटेंस विच कीप्स इट बॉडी मॉइस्ट प्रोटेक्ट इट एंड ऑल्सो हेल्प द मूवमेंट. इसमें क्या है, एक सीक्रेट्स निकलता है जो कि उनकी सीक्रेट सब्सटेंस निकलता है जो कि उनको क्या करता है, नम रखता है बॉडी को और प्रोटेक्ट करता है हेल्प में मूवमेंट में. इट्स बॉडी हैज लार्ज नंबर ऑफ टिन हेयर लाइक ब्रिस्टल्स कॉल्ड स्टेट विच हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड एंड पुशिंग द बॉडी अहेड. आगे की ओर पुश करके वो आगे की ओर बढ़ती है. लोकोमोशन इन स्नेल. स्नेल हैज अ डेलिकेट बॉडी प्रोटेक्टेड बाय हार्ड सेल. मूव्स बाय क्रीपिंग विद द हेल्प ऑफ मसल्स फ्लैट फुट अंडरनीथ द बॉडी. द मसल्स इन द फुट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड. इनके जो मसल्स हैं फुट के वो क्या होते हैं, सुकड़ते हैं और फैलते हैं. द फुट हैज स्पेशल ग्लैंड दैट प्रोड्यूस लिमिंग मसल्स टू मेक अ वैली ट्रैक. बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस, इस म्यूकस द फुट हैज स्पेशल ग्लैंड दैट प्रोड्यूस लेमी म्यूकस. ठीक है, इस फुट इस क्या है कि स्पेशल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं स्लेमी म्यूकस टू मेक स्पेरी ट्रैक. वो क्या बनाता है, स्लेपेरी ट्रैक. बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस, इस म्यूकस के कारण द स्नेल इज एबल टू मूव इवन ऑन शार्प एज विदाउट एनी इंजरी. बिना कोई खतरे के वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है शार्प एज में भी. ठीक, यहाँ बेटा आपका चैप्टर नंबर 10th कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज. एक्सरसाइज आपको होमवर्क में है, करिएगा जितनी बनती है. ठीक है, जो नहीं बनेगी वो मैं करवा दूंगी. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.